हेलो, मैं हूँ आपकी न्यूट्रिशनिस्ट निशा और तला दलाल के किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक मीठे की रेसिपी बनाने वाली हूँ और वो है बढ़ते बच्चों के लिए। इस रेसिपी का नाम है आलमंड शीरा। बच्चों की बढ़ती उम्र में उन्हें सेहतमंद रखने के लिए क्या चाहिए होता है? थोड़े से होल ग्रेन्स, स्प्राउट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ब्रेन फ्रेंडली नट्स, जो कि होते हैं वॉलनट्स एंड आलमंड्स। तो बस आज इन्हीं बादाम को यूज़ कर मैं उनके लिए बनाने वाली हूँ बादाम का शीरा। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। आमंड शीरा बनाने के लिए सबसे जरूरी बात होती है आमंड्स को ब्लांच करना। तो यहाँ मैंने गरम पानी लिया है, गरम मींस एकदम बॉइलिंग वाटर लिया है। उसमें आमंड्स को 8 से 10 मिनट तक भिगोकर रखना होगा, जिससे आमंड्स में से उसके छिलके जल्दी ही निकल सकें। और 10 मिनट इसे भिगोए रखने के बाद इसे स्ट्रेन करना है। यहाँ पर बादाम थोड़ी सी गर्म हो सकती है, तो इस पर थोड़ा सा ठंडा पानी छिड़कना है और इसे पील कर लेंगे। ये देखिए, बादाम आसानी से पील हो रही है ना। इसके लिए गर्म पानी लेना बहुत ही जरूरी है। अब बाकी की बादाम भी ऐसे ही पील कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सभी आलमंड्स पील हो चुके हैं। ये इतना टाइम नहीं लेगा अगर आप प्रॉपर गर्म पानी लेंगे तो। इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध और इसे मिक्सर में स्मूथ होने तक पीस लेना है। तो आमंड पेस्ट तैयार हो चुकी है ब्लेंड होके। अब शीरा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक ब्रॉड नॉनस्टिक पैन में पहले घी गरम करते हैं और घी पिघलते ही इसमें डालना है तैयार की हुई आमंड की पेस्ट और इसे मिक्स करके हल्का ब्राउन होने तक पकाना है। ये हल्का ब्राउन हो चुका है और इसकी खुशबू भी आ रही है। तो अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा दूध और पानी। इन सबको भी अच्छे से मिक्स करके कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाना है। इंश्योर करें कि इसमें कोई लम्प्स ना रह जाए। इसमें दूध डाला है तो कंटिन्यूसली इसे मिक्स करते रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मिल्क पूरा इवेपरेट होने आया है और आप देख सकते हैं कि इस फ्लैट स्पून से इजीली मिक्स भी कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि आप ऐसा ही फ्लैट स्पून यूज़ करें। तो अब इसमें डालेंगे शक्कर, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा सैफरन, जिसे मैंने 1 टीस्पून वार्म वाटर में डिजोल्व करके रखा था। इन सब को भी अच्छे से मिक्स करके अब शक्कर पिघलने तक और घी के थोड़ा सा पैन में छूटने तक कुक करना है। अभी थोड़ी देर और लगेगी, शक्कर की चाशनी बनेगी और वो पूरी तरह मेल्ट हो जाएगी, तब ये शीरा ब्राउन हो जाएगा। लेकिन तब तक इस मिश्रण को कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है। शीरा ऑलमोस्ट पकने आया है और आप देख सकते हैं कि साइड में थोड़ा सा घी भी छूट रहा है। ये शीरा बनाने के लिए यूजुअली घी बहुत यूज़ होता है, लेकिन इस रेसिपी में मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून घी यूज़ किया है, इसीलिए इसका इतना हल्का ब्राउन कलर ही आएगा, ना कि पूरा ब्राउन बनेगा। आप देख सकते हैं शीरा कुक हो गया है और पैन से बिल्कुल ही छूट रहा है। अब इस स्टेज पर गैस को बंद कर देना है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो बस करते हैं इसे गार्निश थोड़े से स्लाइस्ड आलमंड्स के साथ। और आप इसे तुरंत ही अपने बच्चों को लुक वार्म परोस सकते हैं या इसे ठंडा करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चों को ये शीरा जरूर परोसिए। इससे उन्हें मिलता है बेनिफिशियल फैट्स, प्रोटीन, आयरन और विटामिन B2B, तो होगा उनका दिमाग बिल्कुल तेज। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। बाय। डाउनलोड द तरला दलाल ऐप ऑन योर एप्पल एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस। फॉलो अस ऑन द फेसबुक एंड tarladalal.com। इफ यू एंजॉय योर रेसिपीज क्लिक लाइक। टू सी मोर ऑफ माय रेसिपीज क्लिक हियर। प्लीज शेयर योर कमेंट्स। आई वुड लव टू हियर देम। आई एम वेटिंग फॉर देम।